क्वेश्चन क्या गिवन है? 16th क्वेश्चन में कॉस वाई इक्वल्स टू ए सॉरी एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब क्या प्रूफ करना है हमें इसमें, जिसमें कॉस ए की वैल्यू बोलिए प्लस माइनस वन नहीं है, ठीक है ना, यानी 90 डिग्री नहीं हो सकता कॉस ए, सो सॉरी 90 जीरो डिग्री, जीरो डिग्री पे कॉस ए वन होता है ना, तो ए आपका जीरो डिग्री नहीं हो सकता है। नाउ इक्वल्स टू डीवाई बाई डी एक्स, क्या प्रूफ करना है? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, साइन ए आपका फर्दर कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। सो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, बताओ, सोचो, दिमाग चलाओ। अब यहां पे हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, अब याद करो स्क्वायर कब होता है, जब क्वेश्चन रूल लगता है, एक ही जगह आपने स्क्वायरिंग देखी है, क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता, तो यानी अगर हम यहां पे और फर्दर एक और चीज क्या नोटिस कर सकते हो, आप ध्यान से देखो डीवाई बाई डी एक्स में एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, यानी आपको एक्स एलिमिनेट करना है, एक्स एलिमिनेट कब होगा, अब यहां पे एक्स है आपका, अगर सीधे एक्स का ही डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, वन, तो एक्स हट जाएगा वहां से, क्लियर, तो यानी यहां पर हमें इसको अकेला करवाना है एक्स को, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स रहेगा दूसरे वाले में, हमें सिर्फ एक्स को रखना है यहां पे, तो कॉस ए प्लस वाई को हम क्या कर दें यहां पे डिवाइड में शिफ्ट कर दें, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। पहला स्टेप समझ में आया क्यों किया गया, एक तो हमें देखो डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आने से क्वेश्चन टू लगा हम यहां लगाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि हमें प्रूफ भी करना है, एक्स नहीं चाहिए, एक्स यहां पे सिंगल है, डिफरेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा, चल रहा है दिमाग। नाउ इसके बाद अब क्या करें बताओ, सीधे डिफरेंशिएट, इसमें कौन सा रूल, सो क्वेश्चन रूल के लिए कॉस ए प्लस वाई नीचे से तो कॉन्स्टेंट, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, फिर माइनस, अब कॉस वाई कॉन्स्टेंट और कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई और डी वाई बाय डी एक्स होल अपॉन कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं बेटा, पूरे कॉस की रेशियो का स्क्वायर, और बाद में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख देंगे, क्लियर, इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें डी वाई बाय डी एक्स ही प्रूफ ही करना है, तो कॉस वापिस उधर भेज देंगे अब उधर, क्लियर, तो डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट कर दिया, और यहां पे ऊपर ध्यान से देखो डी वाई बाय डी एक्स कॉमन भी ले रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा अब ध्यान से बेटा, कॉस ए प्लस वाई इंटू माइनस, तो माइनस हमने आगे यहां कर दिया, माइनस साइन वाई आगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई, यहां तक क्लियर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू में इसको डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहां तक आया समझ में? अब ध्यान से इसमें सोच के बताओ कौन सी आइडेंटिटी आपको लगती हुई दिख रही है, कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया ना, एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे ना बेटा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है बेटा कॉस ए माइनस बी, नहीं साइन ए माइनस बी, ध्यान से देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी, बन रही है आपकी साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या थी, याद करो लास्ट ईयर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर, तो ध्यान से अब ये बताओ ए किसको माने और बी किसको माने, ए जिसमें साइन ए पॉजिटिव हो, ये वाला बेटा ए प्लस वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए हमारा साइन, ए हमारा ए प्लस वाई है और बी हमारा वाई है, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ये बन गया डी वाई बाय डी एक्स यहां पर है, क्लियर, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर एंगल्स में सॉल्व किया तो वाई माइनस वाई कट गया, क्या बचा सिर्फ साइन ए,
याद करो, देखो प्रूफ में हमें वही करना था। सो साइन ए बन गया और वहां जाके डिवाइड हो गया, सो डीवाई बाई डी एक्स क्या प्रूफ हो गया आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो लग रहा है ये मिसलेनियस का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट इजी वे में हो गया है, आए समझ में? तरीका बस आपको ध्यान से अप्लाई करना है सोच समझ के, ठीक है।